ड्रीम बाथरूम लुक लाइक अंदर एक फ्लाइट टूटी हुई फ्लाइट का एक हिस्सा पाक होना चाहिए ऐसा स्लांट में और वो होना चाहिए बाटब ठीक है और जो कमोट है ना कमोट वो पायलट का सीट होना चाहिए और बीच में से छेद होनी चाहिए ऐसे लॉन्ग बैक के साथ मतलब ताकि कंफर्टेबल स्ट्रेट बैक के साथ आप सो एयरक्राफ्ट थीम होना चाहिए बाथरूम एक हाँ और ऐसे मतलब टिश्यू होल्डर के लिए ऐसे एयर ऐसे पुतला हाँ ऐसा अच्छा अच्छा हैबिट अबाउट कि मैं रात को कई बार ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे जिम चला जाता हूँ और फिर साढ़े बारह एक तक मैं घर जाता हूँ और फिर मेरी नींद के तोते उड़ जाते हैं और मेरे को सुबह शूट पे आना पड़ता है उठ के बट कभी कभी चॉइस नहीं होती पैकअप के बाद मैं जिम जाता हूँ आई एम नॉट एन आई एम नॉट एन अर्ली अर्ली राइजर मैं उठ के सुबह सुबह जिम नहीं जा सकता तो कई बार ऐसा होता है मैं बहुत लेट जाता हूँ और मैं खुद की नींद पर कुलाड़ी मारता हूँ और अगले दिन मुझे भुगतना पड़ता है ये एक आदत है जो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बदलूँ बट शूटिंग आर्स कभी कभी इतने ऑड होते हैं तो ये मुझे थोड़ा वर्क करना है इस पर आई वॉन्ट टू स्टार्ट बेकिंग अप अर्ली और शूट पर आने के पहले मैं जिम निपटाना चाहता हूँ वियर्ड गिफ्ट लास्ट ईयर की बात है uh, उस गिफ्ट पे स्ट्रेंजली नाम भी नहीं लिखा था uh, पर uh, मुझे ना किसी ने वेट वाइप गिफ्ट किए थे huh? हाँ मेरे बर्थडे गिफ्ट के रैपर के अंदर वेट वाइप के तीन पैकेट थे और मुझे समझ नहीं आएगी मतलब क्या है <laughs> वेट वाइप कैसे कोई गिफ्ट कर सकता है दैट वॉज द मोस्ट वियर्ड इज गिफ्ट पर वो मैं मेकअप रिमूवल के लिए यूज़ कर रहा हूँ पर इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ गिफ्ट मैंने आज तक नहीं देगा भाई तीन वेट वाइप के पैकेट ट्वेंटी फाइव पुल्स वाले सेवेंटी फाइव वेट वाइप मी सो दैट ऑज द मोस्ट वियरडेस्ट एंड एक और चीज़ थी कर, लास्ट ईयर का बर्थडे गिफ्ट भी ना मेरा एक दोस्त है उसने हैप्पी थर्टी की जगह हैप्पी टट्टी करके एक पॉटी के शेप का केक रखा हुआ था जो कि मीडिया ने भी कैप मतलब देखा ही होगा मेरे पोस्ट पे सो इट वॉज अ शिट शेप्ड केक एंड उस पर लिखा था हैप्पी टट्टी सो Weirdest, weirdest दोस्त डाल सकते थे या फॉर दिसर नहीं फॉर दिस ईयर की वैसे अदरवाइज इन जनरल बेस्ट गिफ्ट आई थिंक आई थिंक माई बाइक मैंने खुद को ल, दो साल पहले वो एज अ बर्थडे गिफ्ट दी थी तो वो थोड़ा एक अलग इमोशनल कनेक्शन है मेरा one thing you have bought and then you realize kya ही you were cheese kya hi utha liya ऐसा तो क्या ही उठा लिया मैंने और स्ट्रेंजली नथिंग अब तक हाँ मेरे पास एक टोपी है uh, मैंने कोई स्पोर्ट्स शॉप में देखी थी एक टोपी है जो ऊपर से पूरी खुली हुई है साइड में सिर्फ इतनी पट्टी है uh, और वो पीछे वेलक्रो पे अटकती है और मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्योंकि ऊपर से तो आपका सर नंगा ही है <laughs> तो आप धूप में उसको पहन के भी घूमोगे तो आप बचा क्या रहे हो? तो नेवर वेस्ट माई मनी ऑन ब्रांड न्यू लग्जरी कार इन मुंबई बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि श्रद्धा कपूर और ये सब लोगों ने जो गाड़िया ली हैं स्पोर्ट्स कार एंड बाइक सबको पता ही है। बट मुझे लगता है मुंबई में भाई मैं करोड़ों रुपए खर्चे करके एक गाड़ी लेके नहीं घूमने वाला कभी भी मुझे लगता है इससे अच्छा तो मैं पैसे बचा के प्रॉपर्टी में डाल लूँ सो आई डोंट थिंक आई वेस्ट दैट मनी ऑन लग्जरी कार इन मुंबई डिग दे पब्लिक और डिग तो बहुत दूर की बात है उसके बाद जो घुमा घुमा के वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं ना बहुत अजीब सी आदत है वो आई डोंट नो लोग कॉन्शियस क्यों नहीं होते हैं बट डिगिंग पब्लिक एंड most विद इट इज मैं देखता महाजन uh, कहीं भी कभी भी वाइब्रेट मारना शुरू करता है मतलब वो अगर अगर आपने शॉट के दस मिनट पहले भी किंचुक को जोक मारा होगा ना वो बीच शॉट में रुक के हंसने लग जाएगा दस मिनट पहले के लिए। कि नहीं यार मुझे वो जोक याद आ गया और वो ना सीधा ऐसे वाइब्रेट करता है और वो ना एक कंटेजियस चीज़ हो गई थी हम चारों भाइयों के बीच कि एक एक का कंधा शुरू होता था, था फिर अक्षय फिर मोहित तो ये वाली एक मेमोरी लास्ट शो की बहुत आ, वियर्ड है और लकीली हर शो में मेरे जो भाई लोग हैं ना सबसे बहुत अच्छी कनेक्शन होती है जैसे यहाँ पे पुरु है देवाशीष है तो हम लोग भी एक दूसरे को बहुत ही वियर्ड तरीके से बहुत ही अजीब आवाजें निकाल के मिलते हैं मैं अभी बता नहीं पाऊँगा कैमरा पे वरना आप लोग मेरे को हिट करोगे पर बहुत चीज मतलब वो लॉन्डो वाली हरकतें होती है ना सो हाँ बॉयज़ बॉयज टॉक ये आए तो पुरु अजीब अजीब तरीके होते हैं हमारे मिलने के सो so, सबसे वियर्ड चीज है ये ये बट सबसे कूल चीज़ है ये हमारे लिए थैंक्स ऑडियंस so को मैं यही कहना चाहूंगा कि जन्मदिन की बधाइयों के लिए शुक्रिया आप जो तोहफे भेजते हैं आप जो मेहनत करते हैं एक एक चीज प्यार से करने में आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आप बहुत स्पेशल फील कराते हैं मुझे बट मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा प्लीज महंगे तोहफे और महंगे गिफ्ट अपने हार्ड uh, अर्न पैसे खर्चे करके मुझे मत भेजिए कोशिश कीजिए कि आप मिनिमल एंड क्यूट रखें या अगर सिर्फ अपनी दुआएं और प्यार भी देंगे वो भी काफ़ी है uh, मुझे पता है मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ पर मैं घर जाऊँगा तो पूरा घर भरा होगा अभी मेरा लास्ट ईयर भी मेरे ड्राॅइंग रूम में बिल्कुल जगह नहीं थी बट आई थिंक एज एक्टर्स एंड एज आर्टिस्ट हम uh, यही सब क्रेव भी करते हैं पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो कोई कोई चीज़ें भेजने में सो so, हो सके तो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड जिस गिव लव एंड उड़ने की आशा को बहुत प्यार दीजिए एंड आई नो सचिन आपके दिल में राज करने वाला है uh, बस उम्मीद करता हूँ कि इसे uh, बहुत 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 ज़्यादा जाद प्यार मिले और ये शो ब्लॉक आप बनाएँ क्योंकि आप है तो हम हैं और आप हो तो मैं हूँ सो थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिए मेरे साथ एंड लॉट्स ऑफ लव